दिवाली और सेलिब्रेशंस के टाइम पर आप आसमान में जो आतिशबाजियां देखते हो वो कमाल होता है फायरवर्क्स का। अलग अलग तरीके से फैंसी फटाके पूरे आसमान को डेकोरेट कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसकी खोज की नहीं गई थी, एक्सीडेंटली हो गई थी। जी, 2000 साल पहले चाइना में एक कुक चारकोल सल्फर और सॉल्पीटर से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये तीनों चीजें उस टाइम पे हर किचन में होती थी, लेकिन इन तीनों के मिक्सचर में हल्की सी आग लग गई और कुक ने कुछ अजीब सा देखा। भाई को बड़ा मजा आ गया देखिए और उसने इस पाउडर को बम्बू में भर के उसको फिर से जलाया। जिस तरीके से वो जला भाई को और ज्यादा मजा आया। फिर उसने अलग अलग कलर को ऐड किया और पाउडर को कंप्रेस करके उसको फिर से जलाया। उसके बाद क्या, उसका मजा आज तक हम लोग ले रहे हैं। यही तो है हमारे आज के फायरवर्क्स। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। एडवांस में हैप्पी दिवाली। अब मूवी का ये आइकॉनिक सीन तो आपको याद ही होगा, जब पूरे घर को बलून्स की मदद से हवा में उड़ते दिखाया गया था। इस फिल्म के बाद कई बच्चों का ये ड्रीम बन गया था कि वो भी बलून्स की मदद से हवा में उड़ पाए। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। हर चीज के पीछे साइंस होता है, इसके पीछे भी साइंस है, इसलिए मुमकिन है। 1 लीटर हीलियम 1 ग्राम वेट को लिफ्ट कर सकता है। स्टैंडर्ड बलून 11 इंच का आता है, मतलब कि 1 पाउंड यानी कि 450 ग्राम जितने वजन को लिफ्ट करने के लिए 37 ऐसे बलून और 423 लीटर हीलियम की जरूरत पड़ेगी। इंसान का एवरेज वेट होता है 137 पाउंड यानी कि 62 kg के आसपास, मतलब कि 5000 स्टैंडर्ड बलून और 58,000 लीटर हीलियम इंसान को उड़ा सकता है। 2011 में टॉम मॉर्गन ने ये कारनामा करके दिखाया था, लेकिन एक्सपर्ट्स की निगरानी में, क्योंकि भाई फिर लैंड भी तो करना होता है ना। ओके देन, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। भाई चेक कर द टर्मिनेटर, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एंड लिंडा हैमिल्टन की सुपर डुपर हिट फिल्म आप सबने जरूर से देखी होगी। 1984 में इस फिल्म ने 78.3 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था, उस टाइम की बात है, और उसकी फ्रेंचाइज ने 1.4 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था। लेकिन इसकी स्क्रिप्ट को द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स जेम्स कैमरॉन ने सिर्फ $1 में दे दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जेम्स कैमरॉन अननोन थे, इतने फेमस नहीं थे, तो वो इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करना चाहते थे। तो डायरेक्शन के उस मौके के लिए उन्होंने इस स्क्रिप्ट को, इस स्टोरी को सिर्फ $1 में दे दिया था। बाद में उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि काश मेरे पास उस टाइम पे टाइम मशीन होता तो मैं इतनी वैल्यूएबल स्टोरी को सिर्फ $1 में कभी नहीं देता। अगर आपको ये बात आज ही पता चली है तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और आर्नोल्ड जी के फैंस के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। बाय, टेक वेलक्रो। हम सबको पता है कि ये बड़ी काम की चीज है जिसे कहते हैं वेलक्रो, लेकिन क्या आपको पता है इसकी खोज कैसे हुई थी? 1948 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्टल अपने कुत्ते के साथ हंटिंग ट्रिप पर गए हुए थे। वहां उन्होंने नोटिस किया कि उनके सॉक्स पर और उनके कुत्ते के बालों के ऊपर कुछ चीजें चिपक गई थी। तो भाई सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो घर पर आके उन्होंने वो चिपकने वाली चीज को रख दिया अपने माइक्रोस्कोप के नीचे और उन्होंने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे हुक्स जो फैब्रिक और फर के ऊपर चिपक जाते हैं, अटक जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कई सालों तक अलग अलग कपड़ों के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उस वक्त पे नया नया आया था नायलॉन, उसके साथ भी कर लिया गया एक ट्राई और ऐसे करके खोज हुई वेलक्रो की। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कर देना। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। सी यू सून, बाय, टेक केयर।